हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं RX 5600 XT, जो कि AMD का नया मेनस्ट्रीम का एक ग्राफिक कार्ड है। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे लीक सामने आ गए थे जो कि काफी कंफर्म्ड थे। तो ऑलरेडी अगर तुम लोगों को ज्यादा डिटेल्स में जानना है तो अभी अभी जो ऊपर लिंक आएगा उसमें चेकआउट कर लो, यू विल फाइंड द एग्जैक्ट डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन एंड जो भी बाकी सब है वो हमको पता चल जाएगा। हाउएवर, ये वीडियो जो है दिस इज द आफ्टर लॉन्च रिव्यू, एंड आफ्टर लॉन्च रिव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, जस्ट बिकॉज इस कार्ड को जब पहले लॉन्च किया गया तो पहले इसको AMD ने बताया, परफॉर्मेंस नंबर्स अपने निकाल दिए एंड उसको बोला कि RTX सीरीज से ये कम्पीट करने नहीं आ रहा है, दिस इज फॉर GTX 1660 एंड GTX 1660 Ti, तो उन दोनों से इस कार्ड को कंपेयर किया गया। उसके बाद हुआ ये कि अचानक से CES 2020 के टाइम पे EVGA का एक कार्ड आया, RTX 2060 KO एडिशन, जो कि उन्होंने प्राइस रखा सिर्फ $280 पे एंड $300 पे जो अल्ट्रा एडिशन था उसका। तो ऑफिशियली और Officially, Nvidia ने अपने prices को RTX 2060 के कम कर दिया एंड उसको कहीं ना कहीं RX 5600 XT के comparison में लेके आ गए। अब उसके बाद ये हुआ कि AMD ने अचानक से जितने भी रिव्यूअर या टेस्ट सैंपल्स लोगों को भेजे हैं, मेरे को नहीं भेजा, ये चीज ध्यान रखना, AMD मेरे को कुछ नहीं भेजता, तो वो जब उन्होंने प्रोडक्ट भेज दिए तो उसके बाद जब लोग अपना आधा आधा टेस्टिंग कर रहे थे उसके बीच में उन्होंने जस्ट लॉन्च से पहले एक नया VBIOS भेजा, जिससे कि जो क्लॉक स्पीड्स हैं वो बढ़ गई हैं 5600 XT की एंड जो उसका मेमोरी बैंडविड्थ है वो 12 GBPS से 14 GBPS हो गया है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अब हुआ ये कि जो फर्स्ट बैच ऑफ सामान है जो रिटेलर्स के पास गया था बेचने के लिए, नाउ उनमें ये नया वाला VBIOS नहीं है एंड ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बोल लो या फिर बहुत ही कंफ्यूजिंग बोल लो। तो मुद्दा ये है कि अगर तुम लोग 99% कोई भी 5600 XT खरीदते हो तो उसका VBIOS अपडेटेड नहीं होगा। इसके लिए मैंने AMD इंडिया को एक ट्वीट भी लिखा था जो कि तुम अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो पहले उन्होंने बेसिकली ये लिखा था कि हेलो टू अल्टीमेट 1080p गेमिंग परफॉर्मेंस विद AMD Radeon RX 5600 XT, गेट योर्स टुडे, डिटेल्स बिलो। तो इसी पे मैंने एक उन पे पूछा था AMD इंडिया से कि डू यू शिप दीज विद द अपडेटेड VBIOS एज पर हार्डवेयर इनबॉक्स एंड गेमर नक्सेस एंड ऑलमोस्ट एवरीवन सेज द फर्स्ट बैच ऑफ हैज ओल्डर VBIOS, इफ अ कंज्यूमर बाइज देम हु हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू अपग्रेड दीज। तो बेसिकली मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई पुराने VBIOS वाला खरीद लेता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कंपनी की होगी या उस बंदे की होगी जिसने खरीदा है या रिटेलर की होगी। तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई करते हुए भेजा है कि हाई वी आर नॉट श्योर बट यू कैन फ्लैश द न्यू VBIOS टू वन ऑफ द रोम्स ऑन मोस्ट AIB कार्ड। तो बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि अगर आपने ये पहले वाले कार्ड खरीदे हैं तो आपको जो नया VBIOS है वो खुद ही फ्लैश करना पड़ेगा, या फिर जो इंडिया में जनरली होता है आप उनके सर्विस सेंटर में जाओ तो दे विल फ्लैश इट फॉर यू एंड दिस इज राइट नाउ द स्टेटस। बिकॉज अब मैं इसके बाद तुम लोगों को जो हार्डवेयर अनबॉक्स के जो बेंचमार्क्स है वो मैं तुम लोगों को धीरे धीरे करके दिखाना चालू करता हूँ, फ्लैश कर रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग, बट इसके अंदर पुराने VBIOS एंड नए VBIOS के भी चार्ट्स हैं जो कि तुम दो रेड बार से देख सकते हो। तो 5600 XT विथ 150 वॉट वाला जो है दैट इज पुराने VBIOS से, जो नए वाला VBIOS है वो उसके अंदर सामने कुछ लिखा नहीं हुआ है। तो एज यू कैन सी एज पर द परफॉर्मेंस की बात करें तो नाउ दिस कार्ड जो है ये कार्ड कहीं ना कहीं RTX 2060 से कम्पीट कर रहा है फॉर द सिमिलर प्राइस रेंज। अब प्राइस रेंज की बात बिल्कुल एंड में करते हैं, हाउएवर अगर तुम लोगों को बेंचमार्क्स कहीं पे भी पॉज करके देखना है तो यू गाइस कैन पॉज एंड यहाँ पे तुमको 1080p पे एंड 1440p पे सारे गेम्स के जो बेंचमार्क्स है वो देखने को मिल जाएंगे। एक i9 9900K यूज किया गया है एज अ CPU एंड एज यू कैन सी 5600 XT आफ्टर द BIOS अपग्रेड काफी अच्छा परफॉर्मेंस गेन करता है, वहीं पे RTX 2060 से भी कम्पीट करता हुआ दिखता है। 1660 Super and 1660 Ti they are quite well placed below. तो हुआ ये है कि because Nvidia ने अपने prices को कम कर दिया है and 5600 XT का price उससे compare हो रहा था, तो now उनको ये VBIOS करना ही पड़ा ताकि उनके clock speed जो है वो थोड़ा बेहतर perform करें and at least RTX 2060 Super को वो replace करते हुए दिखे at the maximum. Now अब बात कर रहे हैं overall performance की, तो overall performance is less than 5700 जो कि तुमको पता ही है how stream processor same होने के बाद भी, however it is better than 1660 Super in most of the games, अगर हर game में नहीं तो। RTX 2060 की बात करें तो कहीं कहीं पे RTX 2060 performs better quite significantly, वहीं पे कहीं कहीं पे 2060 जो है वो इतना अच्छा perform नहीं करता है depending on the optimization of the game. And guys, जो last चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये card किस चीज के लिए है, and Indian
मार्केट में इसका क्या प्राइस है। तो ये जो प्राइसेस अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने दो तीन वेबसाइट्स को कंपेयर किया, RTX 2060 सबसे कम प्राइस जो आपको मिल रहा है दैट इज एज लो एज 24,879 रुपीज फ्रॉम Inno3D एट Amazon, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा जो कार्ड हमको मिल रहा है 24,499 में Zotac Gaming GeForce RTX 2060, विच इज अगेन अ वेरी गुड प्राइस फॉर दिस कार्ड। हाउएवर जब हम बात करते हैं 5600 XT की, तो द चीपेस्ट कार्ड विच आई कुड फाइंड वॉज 5600 XT में ऑन MD, इट वॉज 26,199। तो राइट नाउ अगर तुम लोगों को चूज करना हो क्या अगर हम RTX 2060 ले या फिर 5600 XT ले, तो डेफिनेटली RTX 2060 सीम्स टू बी अ बेटर कार्ड, जस्ट बिकॉज एक उसका मेमोरी कंप्रेशन टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से जो गेम्स हाई अल्ट्रा सेटिंग्स में 6GB से ज्यादा VRAM लेते हैं उसमें इट परफॉर्म्स अ बिट बेटर। सेकेंड, इसके अंदर जो टेंसर कोर्स हैं, जो रे ट्रेसिंग कोर्स है, उसकी वजह से यू कैन एंजॉय द क्वांटिटी, यू कैन एंजॉय द गेम्स जिसके अंदर रे ट्रेसिंग हो, एंड यू कैन यूज DLSS टाइप का जो चीज़ जिससे आपको फ्रेम्स भी ज़्यादा मिले जब आप रे ट्रेसिंग कर रहे हो। तो गाइज आई होप तुम लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जिसने भी जो भी बेंचमार्क देखना है वो पॉज करके आई होप देख लिया होगा, एंड आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के और कॉन्टेंट के लिए एंड बहुत सारे गेमिंग एंड हार्डवेयर स्टफ के लिए तुम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो गिव इट अ लाइक, अगर नहीं तो गिव इट अ डिसलाइक। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद।